तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में है, और जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी नज़दीक आ रही है तो वैसे वैसे जो है वो इंडियन मीडिया और इंडिया का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो साहब भी जो है वो अब मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने जो है वो पहले बयान दिया कल के, हम जो है वो किसी टेररिस्ट कंट्री के खिलाफ जो है वो जो कि आतंकवादियों को टेररिस्ट को जो है वो मतलब एक सपोर्ट करता है और उनको सपोर्ट करता है और हमारे मुल्क में जो है वो टेररिज्म करवाता है, इस वजह से जो है वो हम उस मुल्क के साथ जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। सिचुएशन आप समझ रहे होंगे कि यही वही सिचुएशन बना रहा है इस टाइम पर। आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो उन्होंने पहले सिचुएशन बनाई थी एशिया कप के वक्त, जब पाकिस्तान में एशिया कप होना था उस टाइम पर जो है उन्होंने यही ड्रामा रचाया था मीडिया के थ्रू। फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब आए थे, फिर जय शाह साहब जो है मीटिंग कभी बुला रहे हैं कभी नहीं बुला रहे हैं, कभी जो है वो वहां पर मीटिंग हो रही है, कभी जो हाइब्रिड मॉडल जी, कभी पूरा एशिया कप हम श्रीलंका में ले जाएंगे, कभी ये था कि पाकिस्तान को जो है वो हम निकाल लेंगे। लेकिन ये सोचने की बात है क्योंकि अभी कुछ 3-4 महीने पहले जो है वो टेनिस की टीम इंडिया की जो है वो पाकिस्तान आ चुकी है, वो भी उसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंदर आती है। कुछ अर्से पहले हॉकी की टीम मेरे ख्याल से आई थी या कबड्डी की टीम आई थी, इसके अलावा एक और जो पता नहीं स्पोर्ट्स थी, डेफ कुछ टाइप की कुछ स्पोर्ट्स थी, उसकी जो टीम है वो भी पाकिस्तान में आ चुकी है। मतलब पिछले 2-2.5 सालों में जो है वो इंडिया की 5 टीमें जो है वो विजिट कर चुकी हैं पाकिस्तान का। तो यही स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, सिर्फ इनको जो है क्रिकेट नजर आ रही है क्योंकि 16 साल से जो है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई क्रिकेट नहीं हुई। वर्ल्ड कप में जो है वो फिर हो जाता है, जैसा कि पाकिस्तान ने काफी ज्यादा मुश्किल बनाया था वर्ल्ड कप में जाना, तो वो फिर कंफर्मेशन दी गई थी कि हम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में आएंगे। लेकिन इस टाइम पर जो है वो काफी ज्यादा अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो बिल्ड कर रहे हैं इस चीज को कि हम जो है वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं जाएंगे। अब इधर से भी जो है वो अब अनऑफिशियल या कुछ खबरें चल रही हैं कि हम जो है वो अगर इंडिया नहीं आएगा चैंपियन ट्रॉफी तो हमने हर सूरत में हर लिहाज में जो है वो हमने पाकिस्तान में करवानी है। आईसीसी ने भी अप्रूव कर दिया है, सिक्योरिटी वगैरह भी जो है वो क्लियर कर दिया आईसीसी ने। अब सिचुएशन जो है वो बिगड़ रही है, या इंडिया नहीं आएगा तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की जगह जो है ऑस्ट्रेलिया को ले आएगा और उसको श्रीलंका को ले आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो रवाबित हैं वो श्रीलंका के साथ काफ़ी अच्छे हैं और उसके बाद जो टीम बनती है वो एशिया का उसमें आना चैंपियन ट्रॉफी में वो टीम बनती है श्रीलंका। तो अब आगे चल चल के देखते हैं कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। लेकिन इस टाइम पर ये खबरें आ रही है कि इंडिया जो है वो उसका कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए आने का, और हमेशा से उनका ये ड्रामा रहता है। कहते तो हैं कि पॉलिटिक्स 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 पाकिस्तान करता है, लेकिन हमेशा जब भी आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से मतलब एक टिक का निशान होता है, क्लियर होती है चीज, वहीं से जो है वो कोई ना कोई दंगा फसाद करते हैं, कोई ना कोई जो है वो कीड़ा निकालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जो है वो फिर सिचुएशन जो है वो कट जाती है। तो अभी आया देखते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जब नजदीक आएगी तो इस चीज के ऊपर जो बीसीसीआई कौन सा एक्शन लेगी, या पीसीबी इस चीज पे कौन सा एक्शन लेगी, या आईसीसी इस चीज के ऊपर क्या करेगी, आया वो फिर हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान इस चीज के, क्योंकि पाकिस्तान में आगे काफी अच्छे के बाद ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और आगे 8 महल से 8-7-8 साल जो है वो कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है जो पाकिस्तान को इस तरह का मिलेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर। तो वीडियो यहीं तक की, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।